केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इसमें 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। इसका उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित किया जाएगा। सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मोदी कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। सरकार ने बयान में कहा कि इस मंजूरी के साथ 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक जिनका सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPMJAY के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। बता दें कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम साल 2017 में शुरू की थी। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत देश भर की चुनिंदा सरकार और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस स्कीम के तहत रिफंड का नियम है। हालांकि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य स्कीम को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे राज्यों में उनकी अपनी स्कीम अलग से चलती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए योग्यताएं। पहला, आयुष्मान कार्ड के लिए केवल भारत का स्थायी निवासी ही अप्लाई कर सकता है। इस योजना का लाभ BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कमजोर वर्ग के नागरिकों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत वे परिवार अप्लाई कर सकेंगे जो सामाजिक और जातिगत जनगणना के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिल रहा है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।